आज भी हमारे देश में बहुत सारी गंभीर बीमारियों में आयुर्वेद का इलाज रामबाण माना गया है, जिसके चलते लोग देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके निरोगी हो रहे हैं। आयुर्वेद में एक ऐसी ही जड़ी बूटी है कुकरौंधा, जिसके इस्तेमाल से जुखाम, बुखार, अल्सर, आंतों की सूजन, पेट में घाव, बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों में रामबाण मानी जाती है। कुकरौंधा एक ऐसा पौधा है जो पूरे देश में हर जगह पाया जाता है। ज़्यादातर खेत खलिहान और जंगलों के साथ ये घर के आसपास खाली पड़ी ज़मीन पर आसानी से मिल जाएगा। इसका पेड़ 1 से 1.5 फीट तक होता है। इस पेड़ की पत्ती चौड़ी और मुलायम होती है। इसकी पत्तियों का रस कई बीमारियों में छुटकारा दिलाता है। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अमित वर्मा ने बताया, कुकरौंधे के पेड़ में बहुत सारे एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण अगर शरीर में कहीं घाव है या बवासीर की समस्या, आंतों में सूजन हो, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही अगर जुखाम, बुखार, वायरस है, इसमें इसके पत्तों का रस और चूर्ण शहद के साथ इस्तेमाल करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा लीवर संबंधित कोई परेशानी हो या त्वचा में कहीं घाव हो या दाद, फंगल इन्फेक्शन, इसकी पत्तियों का लेप लगाने से इन रोगों से छुटकारा मिल जाता है। वहीं अगर छोटे बच्चों में बुखार हो जाता है, उस कंडीशन में इसके पत्तों का रस निकाल कर शहद के साथ गर्म करके सीने व माथे पर लगाया जाता है, और अगर बच्चा बड़ा है तो इसका रस शहद के साथ पिला देने से बुखार, जुखाम जैसी गंभीर बीमारियों में फायदा होता है। मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है। मैं जिला अस्पताल बाराबंकी में एज ए आयुर्वेदिक फिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ। कुकरौंधा जो एक पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्लूमिया लासेरा। ये इसमें बेसिकली एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी बहुत सारी होती हैं, जिसके कारण इसका शरीर के अंदर कोई घाव अगर है, बवासीर से संबंधित है, या पेप्टिक अल्सर है, पेट के अंदर आंतों में कोई घाव है, सूजन है, तो वहाँ पे इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बुखार है, वायरस है, क्या जुकाम है, तो उसमें इसकी पत्तियों का रस और इसके चूर्ण का इस्तेमाल बहुत लाभकारी होता है। शहद के साथ अगर किया जाए, साथ ही साथ पेट की जितनी बीमारियां हैं, लीवर से संबंधित जो बीमारियां हैं, इसमें बहुत अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर बाहर शरीर में त्वचा से संबंधित कोई घाव हो जाता है, दाद वगैरह हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वहाँ पर इसकी पत्तियों का लेप लगाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण बहुत अच्छा त्वचा का रोपण का कार्य करता है, जिसे घाव ठीक हो जाता है। आप इस्तेमाल छोटे बच्चों में किया जाता है, जैसे बच्चों को जकड़न हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसके पत्तियों का रस निकाल के थोड़ा हल्का गुनगुना करके शहद के साथ मिला के फेफड़ों पे लगाया जाता है, सीने पे लगाया जाता है, और साथ ही साथ माथे पे लगाते हैं, थोड़ा सा रस निकाल के पिला भी देते हैं। अगर बच्चा बड़ा है, 2 साल से या 3 साल से ऊपर है, तो उसको थोड़ा सा शहद की मात्रा के साथ में मिला के दिया जाता है, जिससे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के कारण बहुत अच्छे इसके सुधार मिलते हैं बुखार में। और साइनस का अगर प्रॉब्लम होता है बच्चे में, नाक से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, नजल पॉलिप होता है, तो वहाँ बहुत अच्छा काम।